दोस्तों आज हम स्टीम चॉकलेट केक बनाएंगे, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान स्टीम चॉकलेट केक। स्टीम चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टीमर को गर्म करेंगे। 2 से 3 ग्लास पानी और स्टैंड रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप ढोकला स्टीम करते हैं वैसे ही इस केक को भी स्टीम कर सकते हो, जो मैंने अपनी ढोकला रेसिपी में दिखाया है। जब तक स्टीमर गर्म हो रहा है तब तक हम केक बेटर बना लेंगे। और केक बेटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 3/4 कप पीसी हुई चीनी और 3/4 कप फेटा हुआ दही डालकर अच्छे से मिला लेंगे। चीनी पिघलने तक मिला लेंगे। आधा कप रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तेल हमें रिफाइंड ही लेना है, स्मेल आने वाला कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे सिंग तेल, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीनी, दही और तेल तीनों अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। अब उसी बोल में छलनी रखेंगे और 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी टी स्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही ज़रूरी है। 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस भी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिलने के बाद 1/4 कप दूध डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा स्टीम केक बनाने का बेटर तैयार है, जिसे हम डस्टिंग किए हुए केक टिन में निकाल लेंगे। केक टिन को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे, जिसे स्टीम करते वक्त पानी अंदर ना जाए। केक टिन को स्टीमर में रख देंगे और धीमी आंच पर 50 से 60 मिनट तक स्टीम करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 50 से 60 मिनट, लेकिन हम मैदे का केक बना रहे हैं और मैदे को स्टीम होने में काफ़ी टाइम लगता है। जब तक केक स्टीम हो रही है तब तक हम चॉकलेट स्प्रेड बना लेंगे। चॉकलेट स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ हम 1/3 कप जितनी व्हिप क्रीम को गर्म कर लेंगे। व्हिप क्रीम को चलाते हुए गर्म करेंगे और इसमें उबाल नहीं लाना है, हमें सिर्फ व्हिप क्रीम को गर्म करना है। व्हिप क्रीम गर्म हो गई है तो हम इसे गैस से उतार लेंगे। एक बर्तन में 1/2 ग्लास पानी गर्म करेंगे और मिल्क चॉकलेट वाला बाउल रखेंगे। मिल्क चॉकलेट मैंने 150 ग्राम ली है, जिसमें गर्म की हुई व्हिप क्रीम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। चॉकलेट पिघलने तक चलाते हुए मिला लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये हमारा चॉकलेट स्प्रेड तैयार है, जिसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। केक को भी 40 मिनट हो गई है तो एक बार हम चेक कर लेंगे, टूथपिक डालकर देख लेंगे। टूथपिक साफ नहीं निकली है, मतलब अभी केक को स्टीम होने में टाइम है। हमने जहाँ से चेक किया था वहाँ फिर से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। पचास मिनट के बाद फिर से केक को चेक करेंगे। टूथपिक साफ निकली है, मतलब हमारी केक स्टीम हो गई है। केक को बाहर निकाल लेंगे और फॉइल पेपर निकाल लेंगे और केक को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद केक को टिन से अलग कर लेंगे। दोस्तों देखकर ही लगता है ना कि हमारी केक बहुत ही अच्छी बनी है और ये फूल करके डबल से भी ज़्यादा हो गई है। अब केक के ऊपर तैयार किया हुआ चॉकलेट स्प्रेड भी स्प्रेड कर देंगे। मेरे पास ये क्रंची राइस बोल्स है, जिससे हम केक को गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ हमारी बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस स्टीम चॉकलेट केक तैयार है, जिसे हम कट करके भी देख लेंगे।
देखा ना दोस्तों, स्टीम चॉकलेट केक बनाना कितना आसान है। तो जल्दी से बनाइए और हमें बताना जरूर कि आपकी स्टीम चॉकलेट केक कैसी बनी। दोस्तों, आपको मेरी स्टीम चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।